प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीर दास द्वारा रचित साखियों पर बात कर रहे थे और पिछले दो वीडियो में हमने गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग शीर्षक से संकलित साखियों पर बात की। आज हम विरह को अंग शीर्षक से संकलित कबीर की साखियां जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है उन पर बात करेंगे। इससे पहले हम विरह को अंग को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना कि कबीर की जो शाखियाँ हैं वो अंगों के अंतर्गत संकलित है और एक अंग विशेष के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की शाखियाँ हैं। जैसे सुमिरन को अंग में जो है प्रभु के नाम स्मरण की महत्ता को प्रदर्शित करने वाली शाखियाँ हैं। गुरुदेव को अंग में सदगुरु की महिमा गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करने वाली शाखियाँ हैं और विरह को जो अंग है इसमें ऐसी शाखियाँ संकलित की गई है जिसमें जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम, आत्मा का परमात्मा से प्रेम और उससे परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा तथा परमात्मा के वियोग में आत्मा के चिर वियोग जनित जो वेदना है वो इन साखियों में चित्रित हुई है, वर्णित हुई है। हम यूं कह सकते हैं कि विरह की साखियों में आत्मा की आत्मा रूपी विरह की विरह वेदना वर्णित हुई है, अभिव्यक्त हुई है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे और ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि, प्रवर्तक कवि, प्रतिनिधि कवि होने के बाद भी कबीर की भक्ति भावना में केवल ज्ञान की शुष्क धाराएं प्रवाहित नहीं होती है। कबीर ने उसे दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से भाव परवण और सरस बनाया है। कबीर और निर्गुण संतों की जो मान्यता है वह ये है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और जब से ये उस परमात्मा से अलग हुई है तब से ये विरह की वेदना भोग रही है। आत्मा जब तक माया जनित अज्ञान में भ्रमित रहती है, भ्रम में पड़ी रहती है माया जनित अज्ञान के कारण, तब तक तो उसे परमात्मा के साथ अपने जो ये प्रगाढ़ और अनन्य संबंध है उसका ज्ञान नहीं होता है। पर जैसे ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ अपने इस अनन्य प्रगाढ़ संबंध का ज्ञान होता है उसके बाद इस आत्मा को पल भर के लिए भी चैन नहीं पड़ता और ये हर पल उस परमात्मा के लिए तड़पती रहती है, उस परमात्मा से मिलन के लिए आकुल रहती है। तो पति पत्नी का जो संबंध है वो प्रेम की दृष्टि से सबसे गहरा संबंध माना जाता है कि प्रेम भावना की सबसे अधिक जो गहरी व्यंजना होती है वो पति पत्नी के संबंध में होती है और कबीर और निर्गुण संतों ने भी जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को प्रियतम माना है और जब तक इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन नहीं होता है तब तक ये विरहणी जो आत्मा है वो अपने प्रियतम के वियोग की पीड़ा में जलती रहती है, छटपटाती रहती है, व्याकुल होती रहती है और विरह वेदना भोगती रहती है। तो इन साखियों में आत्मा की इसी वेदना का चित्रण है और आत्मा की जो ये पीड़ा है विरह की ये बड़ी अद्भुत है। इसका कोई उपचार नहीं हो सकता, लौकिक उपचार नहीं हो सकता, इसका केवल एक ही उपचार है और वो प्रियतम से मिलन, परमात्मा से मिलन।
आत्मा का परमात्मा से मिलन, उसके लिए ये विरह की वेदना भी आवश्यक है, क्योंकि इस विरह से ही आत्मा का परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम में परिपूर्णता आती है, परिपक्वता आती है, और विरह की इस निरंतर एकांत साधना से, परमात्मा की निरंतर ध्यान साधना से ही आत्मा रूपी जो पत्नी है वो परमात्मा रूपी प्रियतम से एकाकार कर सकती है, मिल सकती है। तो प्रियतम से मिलन और प्रेम को परिपक्व करने का एक ही मार्ग है, प्रियतम के विरह में अहर्निश यानी दिन रात जलते रहना, और जब तक इस प्रेम में परिपक्वता और प्रेम में पूर्णता नहीं आती है, तब तक जो है आत्मा रूपी विरहणी को परमात्मा रूपी में प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती है, और वो इसी तरह दिन रात विरह की पीड़ा को भोगती रहती है। तो इन इस अंग में जो संकलित साखियाँ हैं उसमें जीवात्मा की विरह वेदना, प्रियतम परमात्मा रूपी ईश्वर रूपी प्रियतम के वियोग में जीवात्मा की जो विरह वेदना है उसका बड़ा मान्य चित्रण है। पहले साखी हम देखते हैं कि चकई बिछुरी रे न की आई मिली पर भात, चकई बिछुरी रे न की आई मिली पर भात, जे जन बिछुटे राम सो ते दिन मिले न राति कबीरा, ते दिन इसमें कबीर दास आत्मा रूपी विरहणी की वेदना का चित्रण करते हैं, और ये जो स्थिति है ये कबीर की स्वयं की भी हो सकती है, जब उन्हें सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान हो गया और उनका विवेक जागृत हो गया, या एक ऐसी आत्मा जो विवेक जागृत होने के परिणाम स्वरूप परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति वियोग वेदना का अनुभव करती है। तो कबीर कहते हैं कि चकई चकई यानी चकवी, शब्दार्थ देख ले पहले, चकई यानी चकवी, बिछुरु यानी बिछुरना, रेन यानी रात, और प्रभात यानी सुबह है, बिछुटे यानी बिछुड़ना है, और सामान्य शब्द है जिनके अर्थ से आप परिचित हुई, चकई बिछुरी रेन की, चकवी चकई जो है, चकवी जो है वो रात्रि को संध्या काल अपने प्रिय से बिछुड़ जाती है। का कवि परंपरा में ये मान्यता है, ये रूढ़ी है कि चकवा और चकवी जो है वो संध्या के समय रात के समय एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और सुबह मिल जाते हैं, तो रात भर वो वियोग की पीड़ा को सहन करते हैं, और उसी मान्यता की अभिव्यक्ति करते हुए कबीर कहते हैं कि चकई बिछुरी रेन की आय मिली प्रभाती, चकवी अपनी प्रियतम से रात को या संध्या को बिछुड़ जाती है, रात भर वह विरह की वेदना से तड़पती है, लेकिन सुबह उसका अपने प्रिय से सुखद मिलन हो जाता है और वो मिलन के आनंद का भोग। इसलिए चकवी की जो विरह वेदना है वो क्षणिक है, रात भर की है, लेकिन जे जन बिछुटे राम सो, लेकिन जो व्यक्ति राम से बिछुड़े हैं ते दिन मिले न रात, वो न दिन को मिलते हैं और न रात को। जिन जिन मनुष्यों का यानी जिन जीवात्माओं का परमात्मा से वियोग हो गया है, उनका परमात्मा से मिलन न दिन को हो पाता है और ना ही रात को हो पाता है, और ऐसी विरहणी आत्माएं दिन रात
विरह की पीड़ा को भोगती रहती। ये इसका भावार्थ सामान्य व्याख्या है। अब हम इसके अंतर्गत विशेष की बात करें तो विशेष क्या है कि एक तो इसमें इस बार विरहणी आत्मा की ईश्वर की मिलन की तीव्र उत्कंठा या आकुलता जो है इसमें व्यंजित हुई है। दूसरी बात, कबीर ये कहना चाहते हैं कि आत्मा का जो विरह है वो चिरंतन है, जन्म जन्मांतर का है, वह कई जन्मों से चला आ रहा है। इस कारण वो चकवी के विरह से जो है कहीं गुना अधिक है और इसीलिए इसमें व्यतिरेक अलंकार भी है कि लौकिक प्रेम के जो प्रसिद्ध उपमान है उनके प्रेम को उनके वियोग को आत्मा रूपी विरहणी के वियोग से कमतर बताया गया, हीन बताया गया। व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहाँ उपमेय की तुलना में उपमान को हीन बताया जाता है। यहाँ चकवी की जो विरह वेदना है उसको आत्मा रूपी विरहणी की विरह वेदना की तुलना में कमतर हीन बताया गया। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी बात भी इसमें व्यक्त हुई है कि अन्य की पीड़ा को देख करके मनुष्य जो अपनी पीड़ा को सहन कर लेता है, इसी तरह जब विरहणी अन्य विरहणियों को भी विरह वेदना में तड़पती देखती है तो उसके मन को वो ढाढ़स बांधती, लेकिन जब अन्य विरहणियों का अपने प्रियतम से मिलन हो जाता है तो उसकी जो वेदना की तीव्रता है वो और अधिक हो जाती है। यहाँ पर चकवी के मिलन से जो विरहणी आत्मा है उसकी वेदना और अधिक बढ़ती है। इस तरह से ये चकवी का जो मिलन है या आत्मा के लिए उद्दीपन प्रभाव के रूप में भी काम करता है। भाषा जो है सहज सरल प्रवाहमय है और अलंकार व्यतिरेक है, प्रसाद गुण है और आध्यात्मिक जो प्रेम है, आध्यात्मिक श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार तो इसमें है लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में उसका वर्णन हुआ है तो आध्यात्मिक श्रृंगार रस का इसमें परिपाक हुआ है। आध्यात्मिक विशेषण में जोड़ रहा हूँ जो कि आत्मा और परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसी भाव साम्य वाली साकी कबीर ने और लिखी है कि बासुरी सुख नारायण सुख ना सुख सुतनी माय कबीर विछुड़ा राम सु ना सुख दुख न छा। राम से बिछड़ी हुई जीवात्मा को न दिन में सुख मिलता है, न रात में सुख मिलता है, न सपने में सुख मिलता है, न दुख में सुख मिलता है, न छाया में सुख मिलता है। अगली साके देखते हैं। बहुत दिनन की जोगती बाट तुम्हारी राम, बहुत दिनन की जोगती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम कबीरा, मन नाही विश्राम। इसमें भी कबीर की विरहणी आत्मा या विरहणी जीवात्मा जो है उसके भावों के व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि बहुत दिनन की जो दिनन जो शब्द है वो दिन का बहुवचन है, ब्रज भाषा में ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है कि न शब्द लगा करके बहुवचन बनाए जाते हैं। बहुत दिनों की जो बहुत दिनों से ज्योति यानी जोहना देखना तकना बाट यानी रास्ता मार तुम्हारे राम हे विरहणी आत्मा कहती है कि हे राम मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रही,
मैं बहुत दिनों से आपका मार्ग देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, और मेरा जो हृदय है वो तुमसे मिलन के लिए तृषित है, प्यासा है, तरस रहा है, तड़प रहा है। मन ना ही विश्राम, और मुझे पल भर के लिए भी चैन नहीं, पल भर के लिए भी विश्राम नहीं है। अब यहाँ ये सामान्य व्याख्या है। विशेष के अंदर बात करें तो बहुत दिनन, एक बहुत दिनन जो है कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पहले वाली साखी में मैंने ये बताया कि आत्मा का जो वियोग है, वीरणी आत्मा का, वह चिरंतन वियोग, क्योंकि आत्मा कई जन्म जन्मांतर से अनेक योनियों में भटक रही है, और जन्म जन्मांतर से वो इस विरह की वेदना को भोग रही है। परमात्मा से उसका से जब से वो अलग हुई है तब से वो अनेक योनियों में भटकी है, लेकिन उसका भी परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है। और इसी कारण यहाँ जो कबीर है वो बहुत दिन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वास्तव में ये जन्म जन्मांतर के संदर्भ में प्रचलित हुआ है। ये बताता है कि आत्मा का जो वियोग है वो चिरंतन है, और आत्मा अनंत काल से अनेक जन्मों से परमात्मा से आप एकात्म होने के लिए बेचैन व्याकुल है, और माया जनित अज्ञान आवरण के हटने पर परमात्मा के साथ अपने इस अभिन्न संबंध का जैसे उसे ज्ञान होता है, उसके बाद तो उसकी बेचैनी जो है, तरस जो है, और भी बढ़ जाती है, और उसे पल भर के लिए भी विश्राम नहीं मिलता है, पल भर के लिए भी चैन नहीं मिलता है। आत्मा की परमात्मा से जो ये चिरंतन वियोग है, ऐसे अभिव्यक्ति हम मीरा के पदों में भी देखते हैं कि पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए, या जन्म जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों। यहाँ भी जो है मीरा इसी बात की अभिव्यक्ति कर रही कि उसका जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर का है। तो यही स्थिति है कि आत्मा का परमात्मा से जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर का है, एक जन्म का नहीं, और अनेक जन्मों से प्रियतम से मिलन, परमात्मा से मिलन के लिए बेचैन है। पल नाही विश्राम मीरा की पदों में भी देखने को मिलता है कि कल न परत पल हरि मग जोवत भई छमासी, कल न परत हरि मग जोवत, हरि का मार्ग देखते हुए एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिलता, और रात्रि भी छह महीने की होगी। ऐसे ही बात यहाँ कबीर कह रहे हैं, ऊंची चट पंथ वहां भी मीरा बाढ़ देखने की प्रतीक्षा करने की बात कह रही है। तो भाव साम्यता के लिए मीरा की ये पंक्तियां हैं जो संत काव्य का मीरा पर प्रभाव हो सकता है, क्योंकि मीरा के गुरु जो थे रैदास वो भी संत कवि थे, निर्गुण काव्य संत काव्य धारा के कवि थे। अगले इस साखी में भी आत्मा की विरह वेदना और मिलन की जो है उत्कंठा है, आकुलता है, भाषा से सरल है और प्रसाद गुण है, वही श्रृंगार आध्यात्मिक वियोग श्रृंगार जिसे अपन कह सकते हैं। ये तन जारो मसी करो, अगले साखी है, ये तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, ये तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंत की लिख लिख राम पठाओ कबीरा, लिख लिख राम पठाम। इसमें जो है विरणी
आत्मा की परमात्मा से मिलन की एक अद्भुत युक्ति है। तन यानी शरीर, मसी यानी स्वाय, और करण की यानी हड्डी, लेखनी यानी कलम, लिखे लिखे यानी लिख लिख करके विरणी आत्मा का अपने प्रियतम परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा और वो विह व्यथा से बहुत व्यथित है, बेचैन है। तो वो चाहती है कि अब ये तन जागो मसीह को, मैं इस शरीर को जला करके स्याही बन और लिखो राम का नाम, उससे राम का नाम लिखूं, लेखनी करूं करूं हड्डियों की लेखनी बना लूं और लिखे लिखे राम था और राम राम लिख करके राम को संदेश भेजती रहूं। तो विरणी आत्मा कहती है कि मैं इस शरीर को जला करके इसकी राख बना लूं और हड्डियों की लेखनी से इस राख रूपी साय से राम का नाम लिख लिख करके प्रियतम को संदेश भेजती हूँ, राम को संदेश भेजती हूँ। राम के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी कि कबीर के राम जो है दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। इसी तरह की जो साखी है वो कबीर ने एक और लिखी है, ये तन चारो मसीह करूं जो धुआं चारे सर की, मति वे राम दया करें बरस की बुझावे अग्नि। इसमें भी वो अपने शरीर को जलाकर उसकी साय बनाना चाहते हैं और उसके धुए को स्वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि शायद इससे जो है प्रभु श्री राम उन पर दया करें, परमात्मा उन पर दया करे और वो उसकी वे करुणाद्र होकर के अपनी दया के जल से उसको जो है उसकी विरह की अग्नि को जो है शांत कर दे। ऐसी अभिव्यक्ति सूफी काव्य में जायसी ने अपने पद्मावत में भी कही है कि ये तन जारो झार के कहो की पवन उड़ाओ, मकूते मार्ग भी परे कंध धरे झरपा। कि मैं शरीर को जला करके राख बना लूं और हवा इसको उड़ा करके उस रास्ते में ले जाए जहाँ पर मेरे प्रियतम के पैर इस चरण का इस उनके मेरे प्रियतम के जो पैरों से इस राख का स्पर्श हो। तो सर्वस्व समर्पित करके भी प्रियतम से मिलन की जो आकांक्षा है, भावना है, वो इसमें अभिव्यक्त हुई है। और इस तरह से विरणी आत्मा की परमात्मा के प्रति जो है अनन्य निष्ठा वो अभिव्यक्त हुई है। राम नाम ही उस विरणी का इस विरह में काल में एकमात्र आधार है। इसके अतिरिक्त इस पर अपन फारसी के प्रभाव की भी चर्चा कर सकते हैं कि भारतीय काव्य परंपरा में खून हड्डी ऐसे विभत्स जो चित्रण है विरह में वो देखने को नहीं मिलता, ऐसे चित्र जो है सूफी काव्य में देखने को मिलते हैं। और कबीर की जो ये भक्ति भावना है जिसमें प्रेम का प्रधान है, प्रेम का समावेश है, उस पर सूफी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये पारसी के प्रभाव स्वरूप कबीर में आया है। भाषा से सरल है, लिखी लिखी में जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है और प्रसाद गुण है और जो है श्रृंगार आत्मा और परमात्मा के दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से विरणी आत्मा की विरण वेदना की अभिव्यक्ति हुई है।